मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। प्रहलाद जी ने कहा है कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी, आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है, आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है, ये जवाब देश चाहता है। सिख भाई जिनकी निरसंस हत्याएं कर दी गई वो चाहते हैं, दीजिए जवाब। और तुम्हारे मित्र मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, उस आरोप पर मैंने जब मानहानि का केस किया है, कोर्ट ने चालान पुटअप कर दिया है, जवाब देते नहीं बन रहा। और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जेल के सीकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। कमलनाथ जी, मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं, तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाले, छिंदवाड़ा के अंदर हर गरीब को लूटने वाले, जो अरबपति बन गए मध्य प्रदेश के अंदर बैठ करके, वो गरीब जनता भी पूछना चाहती छिंदवाड़ा की क्या किया। और आप मुझे कहते हैं मैं मेरे कारनामे छुपाने के लिए आप पर आरोप लगा रहा हूं, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। देश की एजेंसियां कह रही हैं, ये बीडी शर्मा नहीं कह रहे। कमलनाथ जी भ्रम में मत रहिए, मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे झूठ और छल कपट को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।